कोविड-19 वैक्सीन को लेकर क्या बोले सुल्तानपुर के सुप्रसिद्ध व वरिष्ठ सर्जन, आइए सुनाते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। भारत के पूरे विश्व के पटल पर छाया हुआ है और हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई वैक्सीन विश्व के दर्जनों देशों में जनमानस को लगाई जा रही है। कोविड-19 की ये वैक्सीन डॉक्टरों का कहना है कि बहुत ही अच्छा परिणाम आ रहा है। ऐसे में जब हमारे टीवी इंडिया 18 के ब्यूरो प्रमुख डॉक्टर AK सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसके प्रभाव को लेकर भारत में ही तरह तरह की अफवाह लोगों द्वारा फैलाई जा रही है, जो कि एक गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है और कोविड-19 की वैक्सीन लगने के बाद शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी हो जाती है, ऐसा पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर AK सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन लगने के पहले और बाद में क्या अंतर आया है वह आश्चर्यजनक था। ऐसे में सभी लोगों को कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। इसका थोड़ा मतलब क्या, इसके क्या फायदे हैं? कोविड-19 वैक्सीन से फ़ायदा जानने के लिए हमने अपने ऊपर खुद ही प्रयोग किया, इसलिए कि पहले जानते आते कुछ लोग कह रहे थे कि ये इफेक्टिव नहीं है, ये कुछ और परेशानी कर देगी। इन सब चीज़ों को जानने के लिए जो भारत सरकार द्वारा आपको नोटिफिकेशन आया कि आपको 5 फरवरी को लगनी है वैक्सीन, तो मैं उसके 2 दिन पहले मैंने अपना एक ड्रग का सैंपल भेजा दिल्ली लाल पेठौर जी ने, और वहाँ से रिपोर्टिंग के लिए हमारी एंटीबॉडी का लेवल क्या है। और लेवल जान करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग तो तमाम कोरोना के पेशेंटों का इलाज भी करते रहे इस काम में, इसके बावजूद मेरा लेवल 3.8 से नीचे था। और 12 से 15 इक्विवोकल मानते हैं, 15 ऊपर अगर आपका लेवल है तब समझिए कि आप कोरोना की जो एंटीजन उससे फाइट करने के लिए आपने सफिशेंट एंटीबॉडी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने 5 को इंजेक्शन लगवाया 5 फरवरी को, और फिर जब 5 मार्च को दोबारा नोटिफिकेशन आया कि हमारा इंजेक्शन लगना है, उसके 2 दिन पहले हमने फिर लाल पैथोलॉजी में अपना रिपोर्ट के लिए भेज दिया कि एंटीबॉडी टाइटर हमारा क्या हो, और उसकी जो रिपोर्ट आई वो देख करके मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि 48.8 से ज़्यादा का टाइटर था। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले डोज में ही हमारी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ी है कोरोना वायरस के लिए, और दूसरा डोज हमने उसके बाद फिर लगवाया। अब इसके बाद फिर हम अगली स्टडी जारी रखेंगे, 1 महीने बाद फिर उसके 1 महीने बाद इसको। जैसे कुछ लोग कहना सर इसको लगवाने से बुखार उखार आता है, सर क्या सर कुछ ऐसा है? बुखार कुछ लोगों को आता है जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है, उन लोगों को थोड़ा मोड़ा बुखार आ जाता है, लेकिन वो एक गोली पैरासीटामॉल सफिशेंट, कोई और जरूरत नहीं। जैसे भी कुछ लोग लगवाए थे बोले कि मैं वैक्सीन लगा मैं तुरंत बेहोश हो गया, उल्टी हो गया, सर ऐसा कुछ सर अफवाह सर ये सत्य है? हमने नहीं देखा किसी को, और हम लोग लगवा भी नहीं किसी को, लेकिन एक रिएक्शन रेयरली हो सकते हैं, उसके लिए व्यवस्था रहती है। सरकार कहती है अस्पताल में 20 मिनट बैठिए, 20 मिनट के बाद तक